इजी इंग्लिश सेंटेंसेस क्विज़। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इंग्लिश के इजी सेंटेंसेस की क्विज़, जिससे आप अपने बच्चों को बहुत ही इजी वे में इंग्लिश सिखा सकते हैं। इसके लिए मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरी वीडियो पसंद आने पर दूसरों से शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। फर्स्ट वर्ड है इसे लिख लो। इसे लिख लो, हम बच्चों कहते हैं ना ये चीज़ लिख लो, इसे लिख लो। सो काउंट डाउन बिगिन, हरी अप हरी अप। सो द आंसर इज नोट दिस डाउन, नोट दिस डाउन। नेक्स्ट सेकंड वर्ड है तुम वहीं ठहरो। हम कहते हैं ना वहीं वहीं ठहर जाओ, वहीं रुक जाओ। सो तुम वहीं ठहरो। काउंट डाउन बिगिन, जल्दी से आंसर कीजिए। ये यू स्टे देयर, राइट यू स्टे देयर। नेक्स्ट है चिंता मत करो, परेशान मत हो भाई, चिंता मत करो। सो थर्ड वर्ड इज चिंता मत करो, चिंता मत करो। सो द आंसर इज डोंट वरी। सो नेक्स्ट करते हैं खुद कर लो, खुद कर लो, खुद कर लो। ये काम भाई खुद कर लो, मैं नहीं कर रही, खुद कर लो। सो द आंसर इज डू इट योरसेल्फ, डू इट योरसेल्फ। नेक्स्ट मासूम मत बनो भाई, ज़्यादा मासूम मत बनो, भोले मत बनो, बच्चों बोलते हैं ना मासूम मत बनो। सो द आंसर इज मासूम मत बनो की इंग्लिश क्या होगी, डोंट बी इनोसेंट, डोंट बी इनोसेंट। नेक्स्ट यह काम करो, यह काम करो। सो यह काम करो की इंग्लिश क्या होगी, सोचिए सोचिए जल्दी। ये डू दिस वर्क, वेरी ट्रू। नेक्स्ट मेरी बारी है, मेरी बारी है भाई, ये मेरी बारी है, अब मैं करूँगी ये चीज़, मेरी बारी है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, इंग्लिश सेंटेंस क्या होगा, इट्स माई टर्न, वेरी नाइस। मुझे माफ़ करिए, मुझे माफ़ करिए, मुझे माफ़ करिए कि इंग्लिश क्या होगी, फॉरगिव मी, राइट फॉरगिव मी। नेक्स्ट मुझे आराम करने दो, भाई बच्चे सोने नहीं देते, कई बार तंग करते हैं, उन्हें खेलना होता है, हम कहते हैं मुझे आराम करने दो। सो द इंग्लिश सेंटेंस इज लेट मी रेस्ट, सो लेट मी रेस्ट। नेक्स्ट वर्ड है मैं गुस्सा थी, मैं गुस्सा थी या था। सो इसका इंग्लिश सेंटेंस क्या होगा, आई वॉज एंग्री, थी आई वॉज एंग्री। दूसरा ले लो। सो गाइज ये आप पॉज करके भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। सो द आंसर इज दूसरा ले लो का सेंटेंस क्या होगा इंग्लिश, हैव अनदर वन, हैव अनदर वन। नेक्स्ट घबराओ मत, भाई टेंशन मत लो, हम बोलते हैं ना घबराओ मत, तो घबराओ मत का क्या सेंटेंस हो सकता है, डोंट पैनिक। गाइज आप बहुत अच्छे आंसर्स दे रहे हैं। नेक्स्ट है जाकर ले आओ, जाकर ले आओ। अपने पॉइंट्स को कलेक्ट कीजिए जल्दी से, गो एंड गेट इट, वेरी ट्रू। नेक्स्ट है तुमने क्या खाया, भाई आज तुमने क्या खाया, हम बच्चों से पूछते हैं ना तुमने क्या खाया। सो द आंसर इज व्हाट डिड यू ईट, इंग्लिश सेंटेंस क्या होगा इसका, व्हाट डिड यू ईट। मैं नहा रहा हूँ, मैं नहा रहा हूँ कि इंग्लिश क्या होगी, ये तो बहुत सिंपल है, इसमें अर्न कर सकते हैं पॉइंट्स। यस आई एम टेकिंग अ बाथ, आई एम टेकिंग अ बाथ। नेक्स्ट कोई खास बात, क्या कोई खास बात है आज, क्या होनी चाहिए इसकी इंग्लिश खास बात की, सोचिए सोचिए। यस एनीथिंग स्पेशल, एनीथिंग स्पेशल। नेक्स्ट वर्ड है दूसरा ले आओ, भाई बहुत सारे कलेक्ट कर लिए हैं, अब तो रिवॉर्ड्स मिलेंगे इसमें। सो दूसरा ले आओ भी, ले लो भी, बहुत सिंपल है, हैव अनदर वन, हैव अनदर वन। नेक्स्ट मेरा विश्वास करो, मेरा विश्वास करो, तो मेरा विश्वास करो कि इंग्लिश क्या होगी गाइस, बिलीव मी, बिलीव मी। नेक्स्ट वर्ड है मुंह बंद रखो, भाई हम कई बार बोलते हैं भाई मुंह बंद रखो, चुप हो जाओ, मुंह बंद रखो की इंग्लिश क्या होगी, बहुत सिंपल है ये तो, शट अप, शट अप। नेक्स्ट है और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, ये बहुत ही सिंपल सेंटेंसेस है गाइस, ये बहुत ही इजी हैं। नथिंग एल्स, और कुछ नहीं की इंग्लिश होगी नथिंग एल्स।
नेक्स्ट मैं नहीं जानता, ये चीज़ मैं नहीं जानता या जानती, मैं नहीं जानता। सो इंग्लिश इज आई डोंट नो, आई डू नॉट नो, आई डोंट नो। नेक्स्ट वर्ड है इसे साफ करो, इसे साफ करो। हम कहते हैं ना गंदा कर देते कई बच्चे घर, इसे साफ करो। राइट, क्लीन इट, वेरी सिंपल। खुश रहो, खुश रहो, ये तो इसमें तो पॉइंट्स भाई मिलेंगे ही मिलेंगे। खुश रहो तो बहुत ही सिंपल सेंटेंस है। बी हैप्पी, वेरी गुड। नेक्स्ट सेंटेंस है ये है पकड़ो, हम कहते हैं ना ये पकड़ लो, ये पकड़ो। सो ये पकड़ो की इंग्लिश क्या होगी? यस, होल्ड दिस। ये है पकड़ो की इंग्लिश होगी होल्ड दिस। वह वाला, हम कहते हैं ना भाई ये वाला नहीं, वह वाला। सो वह वाला की इंग्लिश क्या होगी? वह वाला, दैट वन। वेरी नाइस, दैट वन। नेक्स्ट यह क्या है, यह क्या है, हम बोलते ना ये क्या चीज़ है, क्या है ये, यह क्या है की इंग्लिश क्या होगी? व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस। नेक्स्ट वर्ड है इसे करो, इसे करो, इसे करो की इंग्लिश क्या होगी? हम पढ़ने को देते हैं, फिर होमवर्क देते हैं, हम बच्चों क्या बोलते हैं, इसे करो, डू इट। इसे करो की इंग्लिश होगी डू इट। नेक्स्ट ज़्यादा दूर मत जाना, ज़्यादा दूर मत जाना, तो ज़्यादा दूर की इंग्लिश क्या होनी चाहिए? ज़्यादा दूर मत जाना, डोंट गो टू फार, डोंट गो टू फार। नेक्स्ट फिर से कहिए, हम बोलते हैं ना भाई ये चीज़ फिर से बताओ, फिर से कहिए। सो फिर से कहिए की इंग्लिश क्या होनी चाहिए? फिर से कहिए की इंग्लिश होगी पार्डन प्लीज, पार्डन, पी ए आर डी ओ एन, पार्डन प्लीज। नेक्स्ट वर्ड है धीरे चलो, धीरे चलो, धीरे चलो में हम क्या सेंटेंस यूज करेंगे? यस, वॉक स्लोली। यू गाइज आर ट्रेमेंडस। हेलो पेरेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग जो हैं फेस्टिवल्स को बहुत इंजॉय कर रहे होंगे अपने किड्स के साथ, क्योंकि किड्स तो भाई आजकल घर पे ही हैं और स्कूल नहीं जा रहे, तो हर एक मोमेंट बच्चों के साथ आप प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिए। सो ये जो मैंने वीडियो अपलोड की है, ये क्विज़ की बेसिकली वीडियो है, आप लोगों ने देखी होगी। और जिसने भी मेरी वीडियो अभी तक नहीं देखी है, जो सीधा एंड पर आ गए हैं, सो प्लीज़ बैक जाके मेरी वीडियो को ज़रूर देखिए। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है गाइस, इससे आपके किड्स को बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। ये बहुत ही शॉर्ट सेंटेंसेस हैं, ये बेसिकली उनके लिए वीडियोस हैं जो अपने बच्चों के साथ इंग्लिश बोलने में एक तो शाय फील करते हैं, भाई हम कैसे इंग्लिश में बात करें बच्चों से, हमसे तो बात ही नहीं होती बच्चों से, हम बात ही नहीं कर पाते बच्चों के साथ। और बहुत सारे पेरेंट्स को जिनको ये बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि भाई हम अपने बच्चों के साथ बात तो करते हैं बट बच्चा हमारे साथ बात नहीं करता, भाई कैसे करेगा, उसको समझ ही नहीं आएगी इंग्लिश है क्या। सो हम चाहते हैं कि सीधा हमारा बच्चा व्हाट आर यू डूइंग, व्हेन या मम्मा आई एम स्लीपिंग, इस तरीके के वो एकदम बोलना स्टार्ट कर दे। तो क्योंकि स्कूल नहीं जा रहे बच्चे, नहीं तो बच्चे बहुत सारे पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस हो जाती है, भाई स्कूल जा रहे हैं बच्चे अब तो इंग्लिश बोलनी चाहिए, स्कूल भी नहीं जा रहे अभी तो बच्चे। सो हम क्या कर सकते हैं जो बच्चों को हम बेसिक इंग्लिश लर्न करा सकें? सो उसके लिए मैं ये जो क्विज़ लेकर आई हूँ, आप पहले इस क्विज़ को देखिए, अपने बच्चों को देन उसके बाद ये क्विज़ दिखाइए। इससे क्या होगा ना, छोटे छोटे सेंटेंसेस से जब बच्चे सीखेंगे तो बड़े बड़े सेंटेंसेस भी बच्चे इजीली बोल पाएंगे। जब छोटे सेंटेंसेस सीखेंगे, कम ऑन, आई एम स्लीपिंग, मम्मा आई वॉन्ट टू ईट समथिंग, छोटे छोटे सेंटेंसेस जब बच्चे बोलना शुरू करेंगे तो बड़े सेंटेंसेस भी आगे बोल लेंगे। लेकिन मैं हर बार यही बोलती हूँ कि जब भी अगर आप लोग अपने बच्चों को इंग्लिश सिखाते हैं ना, तो मदर टंग में ज़रूर अपने बच्चों को मीनिंग बताइए। वेदर आप हिंदी में बताइए, साउथ इंडियन है तो तमिल, तेलुगू, इस तरीके की लैंग्वेज भी बच्चों को ज़रूर इंट्रोड्यूस कराइए, ये नहीं कि आप इंग्लिश में बच्चों से बात करें। सो इसके लिए मैंने पूरा एक वीडियो बनाया है, मेरा पार्ट वन वीडियो है, आप ज़रूर देखिएगा, मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। सो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं थोड़े बड़े सेंटेंसेस की इस तरीके की क्विज़ लेकर आऊँ, तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं बड़े सेंटेंसेस की क्विज़ आपके बच्चों के साथ शेयर करूँगा। इस तरीके की क्विज़ से क्या होता है कि बच्चों को एक तो पार्टिसिपेट करना आता है, कि बच्चे इंटरेस्ट
लेते हैं कि पार्टिसिपेशन भी कुछ होता है, क्विज करेंगे, पॉइंट्स मिलेंगे। आप बच्चों को बोलिए कि हर पॉइंट्स, जितने भी पॉइंट्स उसके अंदर आप अर्न करेंगे, उसके बेस पे हम आपको रिवॉर्ड्स देंगे। सो रिवॉर्ड्स में ये नहीं कहती कि हर बार बच्चे कोई काम करें और उनको लालच हो जाए कि अब ये काम करेंगे तो कुछ मिलेगा, बट इस तरीके के क्विजेज में अगर बच्चे विन होते हैं, स्कूल्स में भी अगर बच्चे कम्पीट करते हैं तो उनको कुछ ना कुछ रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं ना। सो घर में भी इस तरीके के क्विजेज आप बच्चों के साथ खेलिए, इस तरीके की वीडियोज आप बच्चों को जरूर दिखाइए। और फेस्टिव सीजन है, खूब खुशियाँ बांटिए, खूब खुशियाँ बटोरिए। आप सभी को दशहरा की, करवा चौथ की, दिवाली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और इस तरीके की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और बहुत सारी वीडियोस मैं अपने चैनल पर मैंने शेयर की है, उसको भी आप ज़रूर देखिएगा, वो बहुत बहुत हेल्पफुल हैं आपके किड्स के लिए। और जो भी फ्री PDF शीट्स चाहते हैं LKG और UKG से रिलेटेड, कमेंट सेक्शन में मुझे अपना मेल ID ज़रूर सेंड कर दीजिए, मैं फ्री PDF आप लोगों के साथ स्पेसिफिकली शेयर करूँगी। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, उस PDF में बहुत सारी ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ रहेंगी जिससे बच्चे हैप्पीली कर पाएंगे। जो बच्चे सीधा ABCD नहीं लिखना चाहते हैं, या जो बच्चे ट्रेसिंग नहीं करते हैं, या जो बच्चे नर्सरी, जो बच्चे KG में हैं, इस तरीके की एक्टिविटीज़ को करके और भी ज़्यादा अपने ब्रेन को यूज़ कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।